नमस्कार मित्रों, माता रानी की जय हो। माता रानी सबको खुश रखे, सबका जीवन हंसी खुशी व्यतीत हो, इसी मनोकामना के साथ आज हम फिर हाजिर हैं आपके लिए एक और ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं मित्रों। शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि नई जानकारी आपको मिलती रहे। और इसके अलावा आपके जीवन में कोई भी समस्या है जिसका बहुत उपायों के बाद भी आप समाधान नहीं कर पा रहे हो, जैसे पति पत्नी में अनबन, घरेलू कलह कलेश, प्यार में धोखा, प्रेमी का बिछड़ना, रिश्ते में किसी तीसरे व्यक्ति का प्रवेश आदि समस्याओं से ग्रसित भक्तजन बेझिझक हमें संपर्क करें। आपकी हर समस्या को जड़ से खत्म किया जाएगा एवं आपके जीवन को फिर से खुशहाल बनाया जाएगा। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं, आप अभी संपर्क करें। धन्यवाद। और मित्रों, हम जो भी विधियां आपको बताते हैं उनमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती है, अतः जैसे बताया है वैसे ही करें। तो चलिए मित्रों, बात करते हैं विधि की। तो विधि में हमेशा की तरह सबसे पहले विधि का समय जानेंगे। तो मित्रों, इस विधि का समय जो है वो रहेगा दिन का, सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच में आपको पूरी विधि करनी होगी। किसी भी दिन आप ये विधि कर सकते हैं, कोई भी दिन चुन सकते हैं और कोई भी पक्ष आप चुन सकते हैं। पर माताएं बहनें ध्यान रखेगी, कठिन दिनों में इस विधि को नहीं करेंगी और मांस मदिरा का सेवन करके कोई भी पुरुष या महिला इस विधि को नहीं करेंगे। स्नान आदि से निवृत्त होकर करना है, एकांत में करनी है और विधि को ध्यान से करना है। तो मित्रों, ये विधि की समय और सावधानी हो गई है। अब जान लेते हैं विधि की सामग्री। मित्रों, विधि की सामग्री के रूप में आपको लेना है पान का पत्ता। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे पान के कत्ते में पत्ते में काफ़ी कट के निशान है, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इस विधि में आप किसी भी प्रकार का पान का पत्ता ले सकते हैं, पर ये जो पीछे की जो होती है इसकी डाली वो कटी होनी जरूरी है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि जैसे जितना बड़ा हमने लिया उतना बड़ा आप ले लेंगे। पान का पत्ता मित्रों आपको एक लेना है। दूसरी सामग्री मित्रों, आपको अपनी हथेली में बांधने जितनी आपको काला धागा लेना है। काले धागे का उपयोग करना है मित्रों, जैसे हमने लिया है वैसा के वैसा आपको लेना है। तीसरी सामग्री मित्रों और अंतिम सामग्री है कुमकुम। कुमकुम मित्रों आपको लेना है, कई जगह इसे रोली भी बोला जाता है, तो आप ध्यान से लीजिएगा। कुमकुम आपको लाल रंग का लेना है। अब ज़्यादा देरी ना करते हुए मित्रों आपको विधि शुरू करनी है। एकांत में मित्रों बैठ जाएंगे, कपड़ा बिछाकर बैठ जाएंगे, सारी सामग्री को किसी कपड़े में रख लेंगे, खुद किसी आसन पर बैठकर ये विधि करेंगे। स्नान आदि से निवृत्त होकर और किसी को ना दिखे ऐसी जगह बैठकर। तो मित्रों, विधि में सबसे पहले करना ये है कि आपको कुमकुम को गीला कर लेना है, गीला कुमकुम ले लेना है मित्रों। और फिर उससे आपको इस तरफ पान के पत्ते के इस तरफ आपको जिस भी व्यक्ति का वशीकरण कर रहे हैं उसका नाम लिखना है। जैसे मान लीजिए हाँ, यहाँ हम राम नाम के लड़के का वशीकरण कर रहे हैं, कोई लड़की राम नाम के लड़के का वशीकरण करे तो वो कुछ इस प्रकार से लिख देगी। ज़्यादा क्लियरिटी होनी जरूरी नहीं मित्रों, आप लिख सको उतना आप ले लेंगे। ये हमने नाम लिख दिया है राम। फिर मित्रों आपको इसे सूखने देना है। आप जब नाम लिख लें उसके बाद आप इसको सूखने देंगे। जरूरी मित्रों नहीं है कि पूरा लिखा जाए, अच्छी तरीके से दिखे, हमारा अच्छी तरीके से दिख रहा है, पर हो सकता है मित्रों आप कई बार अगर पानी थोड़ा ज़्यादा मिला ले कुमकुम में तो अच्छी तरह ना दिखे, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। आप सिर्फ नाम लिख सकते हैं, आंशिक रूप से वो दिख जाए आपको, बस इतना हो। मित्रों जब आप नाम लिख दें और उसके बाद सुखा लें, उसके बाद इसको आप फोल्ड कर लेंगे। अच्छी तरीके से मित्रों फोल्ड करेंगे और फिर काले धागे से आप इसको बांध लेंगे। मित्रों करना ध्यान से है, एकदम अच्छी तरीके से करना है, गलती नहीं करनी। काले धागे से बांध देंगे, ज़्यादा मजबूत नहीं बांधना, ज़्यादा कठोर नहीं बांधना, आंशिक रूप से आप बांध लेंगे इसको काले धागे से, जैसे हमने बांधा है वैसे आप बांध लेंगे। फिर मित्रों आपको करना क्या है कि इसको सीधे हाथ में लेना है और सीधे हाथ की मुट्ठी बंद कर लेनी है और फिर एक मंत्र बोलना है। मित्रों इस विधि का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, सबसे महत्वपूर्ण भाग है इसको अभिमंत्रित करना। ये जो मित्रों विधि है, बाकी विधियों की तरह ही मंत्र बहुत अहम है, पर इस विधि में सारा का सारा कार्य, पूरा का पूरा कार्य मंत्र पर निर्भर करता है। तो मित्रों आपको मंत्र बोलना है, ध्यान से बोलना है, मंत्र में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। मंत्र सही बोलोगे तभी कार्य होगा और जो अपनी सामग्री है जिसको हम अभिमंत्रित करें ये अपने कार्य में आएगी। तो मित्रों मैं मंत्र बोल देता हूँ। मंत्र है ओम नमो भगवते, सामने वाले का नाम वश्यम वश्यम कुरु भवः।
यह मंत्र आपको बोलना है मित्रों, ऐसे पकड़कर 108 बार आपको इस मंत्र का जाप करना है। सामने वाले का मन में अंतर ध्यान करते रहिएगा, यानी कि मन में उसकी छवि को लगातार बनाए रखिएगा और आंखें बंद करके एक हाथ में माला लेके काउंटिंग कीजिएगा, बेहतरीन रहेगा आपके लिए। मैं मंत्र फिर से बोल देता हूँ। मंत्र है ओम नमो भगवते, सामने वाले का नाम वश्यम वश्यम कुरु भवः। 108 बार आपको इस मंत्र का जाप करना है। 108 बार जाप करने के बाद आप इसको लेके जाएंगे सीधा किसी बहते हुए पानी के पास। जी हाँ मित्रों, सीधा बहते हुए पानी के पास जाना है आपको। बहता हुआ पानी नदी भी हो सकता है, बहता हुआ पानी नाला भी हो सकता है जो बड़े स्तर पे बहता हुआ हो, पर निरंतर बहता हुआ होना जरूरी है। ठहरे हुए पानी में नहीं कर सकते, कुएं तालाब में आप नहीं कर सकते, पानी निरंतर बहता हुआ हो तो आप ये विधि कीजिएगा। वहां पर जाएंगे, वहां पर जाने के बाद आप इसको अलग कर लेंगे, अच्छी तरीके से करेंगे मित्रों, काले धागे को निकाल लेंगे। और जब काला धागा आप जो निकाले, उस काले धागे को मित्रों आपको अपनी हथेली पर बांध लेना है। ठीक है मित्रों, ध्यान से वहीं पर ही कीजिएगा, इसको अपने हथेली पर बांध लेना है, यहाँ पर आपको बांध लेना है। और फिर ये जो आपने पत्ता तैयार किया है अभिमंत्रित करके, इसको आप अपने सीधे हाथ में कुछ ऐसे पकड़ कर सामने वाले का 7 बार नाम लेंगे, सामने वाले व्यक्ति का 7 बार नाम लेंगे, फिर इसको बहते हुए जल में प्रवाहित कर देंगे, बहा देंगे। ये आपको करना है और फिर ये बांधकर अपने घर आ जाना है, आपका पहले दिन का काम हो चुका है। अब दूसरे दिन भी मित्रों आपको नया पत्ता लेके आना है पान का, उसके ऊपर यही कार्य वापस दोहराना है, लिखना है सामने वाले का नाम कुमकुम से, और फिर उसे आपने जो हथेली पे काला धागा बांध रखा है उसको हथेली से खोलकर निकाल कर उस पत्ते के बांध देना और फिर अभिमंत्रित करना है। उसी मंत्र का जाप करके आपको अभिमंत्रित करना है और फिर उसको वैसे ही जाकर बहते हुए पानी के पास जाकर इसको वापस हथेली पे बांध लेंगे, पत्ते को सीधे हाथ में ले लेंगे और फिर 7 बार सामने वाले का नाम लेंगे और फिर पानी में बहा देंगे। दूसरे दिन भी यही करना है, तीसरे दिन भी यही करना है, चौथे दिन भी यही करना है, कुल 4 दिन आपको ये कार्य करना है। 4 दिनों के अंदर अंदर सामने वाले के अंदर इतना बदलाव आ जाएगा कि खुद ब खुद सामने वाला आपकी तरफ होने लग जाएगा। सामने वाले के मन ही मन में वो आपको अपना प्यार मान लेगा और वो स्वीकार कर लेगा आपको अपने जीवन साथी के रूप में या अपने प्यार के रूप में। बाकी मित्रों विधि में गलती मत कीजिएगा, विधि बेहद सरल है, एक ही कार्य को बार बार दोहराना है, तो आप ध्यान रखिएगा। जब मित्रों आपका वशीकरण हो जाए, अगले 2 से 3 दिनों के भीतर आपको रिजल्ट मिल जाए, उसके बाद आपको इस ये जो काला धागा है इसको भी बहते हुए पानी में बहा देना है। पर मित्रों कई बार लोगों के जीवन में समस्या इतनी ज़्यादा होती है कि वो खुद कुछ भी नहीं कर पाते। वो विधि देखते हैं, विधि से प्रभावित होते हैं, पर वो असमर्थ हो जाते हैं कुछ ना करने के लिए, उनको दिमाग उनका सपोर्ट नहीं करता उनको। तो मित्रों हम उनको एक ही सलाह देंगे, अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, आप में भी यह बीत रही है, तो मित्रों आप हमें कॉल कीजिए, आप हमें संपर्क कीजिए, हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं, उन पर आप संपर्क करेंगे तो आपकी हम जो भी सहायता होगी वो सहायता करेंगे, आपकी जो भी समस्या होगी उसको नष्ट करके आपके जीवन में वापस खुशियाँ लेकर आएंगे। आप खुद नहीं कर पा रहे तो आप हमारे यहाँ पर भी कार्य करवा सकते हैं। बाकी मित्रों विधि सही से कीजिएगा, सही नियत से कीजिएगा और गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा, आप जरूर सफल होंगे, हमारी हार्दिक शुभकामनाएं आपके साथ है। मित्रों विधि को लेकर आपके मन में कोई शंका या सवाल है या आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम है जिसने आपके जीवन को नरक बना रखा हो और अनगिनत उपायों के बाद भी आपको समाधान नहीं मिला हो, जैसे पति पत्नी में अनबन, घरेलू कलह कलेश, प्रेमिका बिछड़ना, रिश्ते में किसी थर्ड पर्सन का आना, प्यार से शादी ना हो पाना आदि समस्याओं हेतु आप हमें संपर्क करें, और अगर विधि करते वक्त आपसे कोई गलती हो गई है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, आप हमें संपर्क करें, हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। इसी के साथ जय माता दी मित्रों, अगर आप भी माता रानी को मानते हो तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करना बहुत ही आसान है, स्क्रीन पर चल रही ज्योतिष से बदले जीवन की पिक्चर को प्रेस करें, आप हमेशा के लिए हमारे साथ जुड़ जाएंगे। जय माता रानी।